आज सोनाली का एक इकलौती ऐसी कंपनी है टायर रबड़ या बैटरी दो तीन चीजें छोड़ के पूरा ट्रैक्टर एक जगह बनाती है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर प्लांट है जहाँ दो मिनट में एक ट्रैक्टर बना हमने एक भी व्यक्ति कोविड टाइम में नहीं निकाला दो महीने और रुक जाओ दो महीने बाद चले जाओ तो हम एक ऐसी कंपनी थे जिन्होंने एडवांस सैलरी अपने वर्कर्स के पिछले अगले मंच शुरू होने से पहले दे दी थी अभी जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के साथ मेन चैलेंजेस क्या है कंपनी अपनी वेबसाइट पे ट्रैक्टर की प्राइसिंग नहीं लिख प्राइसिस नमस्कार अमर उजाला शिखर का सफर में आप सभी का स्वागत है मैं हूं सुमन कुमार कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता एक पत्थर तो तबियत से उछालो यारो भारत की भूमि ऐसे कर्मवीरों से भरी हुई है जिन्होंने अपने भगीरथ प्रयासों से सफलता की बुलंदियों को छुआ है आज हम ऐसे ही एक कंपनी में हैं जो भारत में पैदा हुई यहीं पली बढ़ी है यह कंपनी हम हैं इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड में जो सोनालिका के नाम से ट्रैक्टर्स बनाती और बेचती है हमारे साथ हैं कंपनी के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री रमन मित्तल जी सर हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है था था। सर कंपनी के इस रिमार्केबल ग्रोथ और सक्सेस स्टोरी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए प्लीज सोनालिका एक अद्भुत सपना सा लगता है क्योंकि इसकी शुरुआत बहुत एक डिफरेंट कंडीशंस में थी तो सोनाली का जब शुरुआत हुई थी तो वो थ्रेशर बनाते थे तो फिर 95 फाइव में आ, आ, डिसाइड किया गया कि अब हम ट्रैक्टर क्षेत्र में एक कदम रखेंगे वो भी इसलिए क्योंकि किसान भाइयों ने कहा कि आप थ्रेशर इतना अच्छा बनाते हैं अब आप ट्रैक्टर भी बनाइए ट्रैक्टर नहीं मिलता अच्छा जी। ये जो हमारा परिवार की सोच है सोनाली का परिवार की वो हमेशा है कि हमें डेट फ्री रहना है कि हमें लोन लेके बिजनेस को नहीं बढ़ाना है हमें आसान या कठिन रास्ता चूज करना है मतलब बाई डिजाइन हमारे को जो जो ब्रांड या जो सुरलेखा की पहचान है वो ये कि हमें आसान काम नहीं करना हमें कठिन काम करना है हम इसको डेटफ्री रखेंगे हम कभी किसी की उधारी नहीं लेंगे और जितना कंपनी को सक्सेस मिलेगा उसी स्पीड से कंपनी बढ़ेगी और हमें सक्सेस मिलेगी अगर, अगर किसान भाई हमें पसंद करेंगे तो जो किसान भाई कहेंगे उनकी सफलता से हमारी सफलता तय होगी तो ये बहुत बड़ा निर्णय था जब इस कंपनी की नींव रखी गई कि हमारा सक्सेस की चाबी हमारे किसान भाइयों के हाथ में दी जाएगी तो यकीन मानिए वो शुरुआत की गई और सोनालिका हुशापुर की एक कंपनी है तो एक कंपनी जिसने शुरुआत की कि हम अपने पाँव पे खड़े खुद होंगे और एक बहुत टफ़ इंडस्ट्री में जहाँ ग्लोबल बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में आ रही हैं वहाँ हम एक शुरुआत करेंगे और वो भी ऐसी जगह जहाँ पर वेंडर्स या आपको इंजीनियर या आपको प्रोडक्शन के लिए बंदे आपको कोई है ही नहीं मुझे याद है जब भी किसी से मिलते थे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कहता था ये संभव वो ये कहते थे कि आप तो गलती कर रहे हैं जी आपकी जितनी कमाई है सब आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप शुरू तो कर लोगे कुछ होगा नहीं तो ये सोची ऐसी शुरुआत सबसे बड़ा प्लांट इस दुनिया में ट्रैक्टर इंडस्ट्री का ट्रैक्टर का कहाँ है वो छोटे से होशियार होशियार बिल्कुल कोविड के समय में पूरी दुनिया में इंडस्ट्रीज़ को बहुत जो है सेटबैक झेलना पड़ा जी सोनालिका भी को भी मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इस पर असर हुआ होगा तो कोविड से उबरने के बाद अब सोनालिका की ग्रोथ को किस रूप इसमें देखते हैं कोविड बड़ा कठिन समय था हम सबका जी मैं नहीं समझता हूँ हर किसी ने अपने परिवार में किसी ना किसी सदस्य को पास में दूर में खोया है बिल्कुल तो कोविड का मतलब भी एक वो खोने वाली यादें से जुड़ी है मगर उसमें एक और चीज़ मैं देखता हूँ वो एक बहुत कठिन समय था और मैं समझता हूँ उस समय हर बिजनेस को हर कंपनी को जो कहते हैं ना उनकी असलियत क्या है उनका डी क्या है बिल्कुल वो तलाशना पड़ा था तो आप यकीन मानिए जिस दिन पहला लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था हमें ये भी नहीं मालूम था किसी को कि जो इंडिया में बैंकिंग सिस्टम है वो क्या बंदा दिन कैसे एक्टिवेट होगा लोगों को कैसे एसेस मिलेगा क्या रहेगा तो हम एक ऐसी कंपनी थे जिन्होंने एडवांस सैलरी अपने वर्कर्स की अपने एम्प्लॉयज़ की पिछले अगले मंथ शुरू होने से पहले दे दी थी क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं हमें कोई दिक्कत ना आए उन तक सैलरी देने की आ, हमारा प्लांट बंद रहा था लगभग एक महीना उस मंथ भी जितने भी वर्कर की सैलरी ड्यूज थी समय से पहले सबको गई थी हमने एक भी व्यक्ति कोविड टाइम में नहीं निकाला तो मैंने देखा कोविड एक ऐसा टाइम था जहाँ हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जिस तरह से हमने एक कंपनी को एक परिवार की तरह चलाया तो आज हमें खुशी होती है कि हम सबके साथ खड़े हुए मैं अभी कल देख रहा था रिकॉर्ड्स सोनाली का तो आपके ही एक इसमें जो है सोशल मीडिया से मैंने देखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस करंट फिस्कल में आप लोगों ने जो है चालीस हजार सात सौ का आंकड़ा जो है सोनाली का शायद बेचने का ये किया है तो इस साल का आपका सर क्या ये है टारगेट देखिए मैं उल्टा देखता हूँ हमने दस हजार बेचे हमें दो लाख बेचना है उसके लिए मुझे तो सिर्फ एक चीज़ पता है मुझे पचास हजार हर तीन महीने में करने हैं हमने शुरुआत की थी जब हम तीन महीने में पच्चीस हजार करते थे फिर तीस फिर पैंतीस अब चालीस आया है हमें हर मंथ बेहतर करना है पिछले मंथ से तो आप देखेंगे सोनाली का एक ऐसी कंपनी है जिससे लगातार साल दर साल महीने दर महीने हर महीने अच्छा करती है तो हमने ये पक्का किया हुआ है कि हमें दो सोच बनानी है एक हर महीने हर दिन हमें बेहतर करना है हम उसको नहीं छोड़ सकते दूसरा जो चीज़ें हमें बड़ा रिटर्न बड़ा नंबर बड़ा वॉल्यूम देंगी उसके लिए जो दो साल तीन साल लगने वाली मेहनत है जैसे नया प्लांट बनाना नई आर एन डी बनाना नए प्रोडक्ट बनाना लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करना अपने चैनल पार्टनर्स को आगे लेके जाना आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो चैनल पार्टनर्स के साथ हम एक लाख ट्रैक्टर बेचा जो हमारे हजार डीलर थे हम उन्हीं हजार डीलरों के साथ डेढ़ लाख बेचते हैं हम उन्हीं हजार डीलरों के साथ अब दो लाख बेचें बातचीत की शुरुआत में आपने कहा कि जब कंपनी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय दो बड़ी कंपनियां आई जिनके पास सारे रिसोर्सेज थे उनका पहले से आर एन डी भी किया हुआ था ऐसी कंपनियों से अभी आप कंपीट कर रहे हैं और ऐसी कंपनियां रो लगातार नए नए ब्रांड्स ला रही हैं जी, तो इनसे कंपीट करने के लिए सोनालिका की स्ट्रेटजी क्या है देखिए सोनालिका की बहुत एक सोच था जिसने हमें सफलता दी इन कंपनियों के मुकाबले जिनके पास सौ साल की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर में अलग अलग जगह है आज सोनाली का एक इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपना इंजन अपनी ट्रांसमिशन अपना हाइड्रोलिक शीट मेटल प्लास्टिक शायद टायर रबड़ या बैटरी दो तीन चीज़ें छोड़ के पूरा ट्रैक्टर एक जगह बनाती है हम ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ जो किसान भाई की नीड है उसके लिए बनाते हैं इसका दूसरा हिस्सा क्या है कि आज हमारे पास 2000 जार से ज़्यादा मॉडल है डोमेस्टिक तो एंड एक्सपोर्ट डालकर तो हम इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को मैनेज करते हैं हमारी आज स्ट्रेंथ है कि अगर मुझे एक नया इंजन भी बनाना है मैं उसको एक साल में बना सकता हूँ और पुराने इंजन के साथ नए इंजन को भी रखूंगा तो हमारी लाइंस इतनी आधुनिक है आज फ्लेक्सिबल रोबोटिक लाइंस हैं कि मैं सेम प्रोडक्शन लाइन पे चार अलग तरह के इंजन रास बना सकता हूँ तो दोस्तों ये जो एक तो ज़रूरत समझना किसान भाई की दूसरा ये संकल्प लेना कि मैं उस जरूरत को पूरा करूँगा चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़े अभी जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के सामने मेनली या एग्रीकल्चर टूल्स के लिए अगर मैं पूरी बात करूं तो मेन चैलेंजेस क्या है अभी मुझे लगता है जो किसान भाई का ट्रैक्टर को खरीदने का जो आ, सफर है वो बहुत कठिन होता है आज इस इंडस्ट्री में ट्रैक्टर इंडस्ट्री में मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये सोचकर आज आप गाड़ी लेने जाए उसकी वेबसाइट पर प्राइस होती है कंपनी की सब डीलर्स की एक मात्र प्राइस होती है आज आप ट्रैक्टर लेना जाए कंपनी अपनी वेबसाइट पे ट्रैक्टर की प्राइसिंग नहीं लिख रही है बिल्कुल डीलर को प्राइसिंग नहीं मालूम तो एक डील एक किसान भाई जो इतने पैसे जोड़ के ट्रैक्टर खरीद रहा है उसके साथ एक सफाई से अपना प्राइस और ट्रैक्टर सामने रखना उससे एक ऑनेस्टली बात करना सही प्रोडक्ट रखना वो आई थिंक एक बहुत बड़ा चैलेंज है और वो हमें बिल्कुल बहुत हमने स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया अगेन सोनालिका ने कठिन समय लिया हम पहली कंपनी है जिसके सारे ट्रैक्टर की प्राइसेस ऑनलाइन अवेलेबल है और और हमने ये शुरू किया अगस्त को पिछले साल अभी तक किसी ने नहीं किया एक और सवाल जो ट्रैक्टर इंडस्ट्री को लेकर के ये है कि जब भी मॉडर्नाइजेशन की बात आती है जी तो ये कहा जाता है कि टेस्ट सेंटरों की संख्या जो है हमारे इसमें देश में वो बहुत ज्यादा नहीं है तो ये कितना बड़ा चैलेंज है अभी आप लोगों के लिए मुझे तो ये झूठ लगता है भाई साहब गाड़ियों में मॉडर्नाइजेशन की हो रही है वो किस पे निर्भर करते हैं <laughs> ये तो सर अब बहाने हैं मैं कहूँगा अब ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सी का रूल आया जी कुछ कंपनियाँ तैयार थी कुछ नहीं थी सिर्फ दो तीन कंपनियाँ जो सीआर ट्रैक्टर बेच रही हैं बाकी तो बेच भी नहीं पा रही exactly. अब वो किसी और को ब्लेम करें वो तो किसी चीज़ की बात नहीं है सोनाली का एक ऐसी कंपनी थी जिसने शुरू से पावर स्टेनिंग ओ आई बी ड्यूल क्लच फोर व्हील ड्राइव जो मैं कहता ये, ये है, तो अगर कंपनी ठान ले कि मुझे किसान को न्यूनतम से न्यूनतम टेक्नोलॉजी देनी है, देनी है बिल्कुल। और अच्छे दाम में देनी है तो उसको कौन रोक सकता है अभी जो है ट्रैक्टर इंडस्ट्री के लिए आवश्यक सुधार आप क्या मानते हैं कि इस इंडस्ट्री के लिए जो है गवर्नमेंट के लेवल पे या पॉलिसी के लेवल पे किस तरीके के सुधार और जरूरत देखिए मुझे लग रहा है जो प्राइस ट्रांसपेरेंसी है वो एक बेसिक राइट right है हक है वो बहुत हमें क्लियर कट होना चाहिए दूसरा क्या हो गया अभी कि ना जब सब्सिडी आती है किसी स्टेट में तो थोड़ा सा वो क्लीन अप करने की ज़रूरत है सब्सिडी में क्या होता है लोग ट्रैक्टर के दाम बढ़ा देते हैं ट्रांसपेरेंसी मतलब जो है कुछ पैसे इधर हो जाते हैं कुछ तो मतलब जो उससे किसानों को फायदा पूरा नहीं पहुंच पाता तो अगर ट्रैक्टर के दाम ही बड़े साफ सुथरे हों और अगर किसी गवर्नमेंट को सब्सिडी दे दी अगर हम बेसिक ट्रैक्टर की प्राइस ही कम करवा दें कंपनी को सपोर्ट देकर और वो बड़ा ट्रांसपेरेंसी से हो ताकि बीच में कोई ना हो उसके लिए तो मैं समझता हूँ किसान भाई को अगर ट्रैक्टर खरीदना है वो तो यार गूगल पे लिखे मुझे ट्रैक्टर चाहिए इतना एच का उसके पास सारे ट्रैक्टर की प्राइसिंग वो अपना न ले और उसको अगले दिन या शाम तक ट्रैक्टर उसके घर तो एक सपना लेना ट्रैक्टर का और खरीदना मैं समझता हूं वो आज, उसका फासला बहुत बड़ा हो गया वो फासला आज भी इतने सालों बाद पांच महीने छः महीने आठ महीने का वो दो दिन का होना चाहिए एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसानों के हाथ में अगर ज्यादा पैसा होगा तो ट्रैक्टर इंडस्ट्री का जो है ग्रोथ और बेहतर हो सकता है इसलिए वो कहते हैं एमएसपी जो है उसको लागू करना चाहिए जो है उसको एक एक्ट एज एक तो उसको लागू कर दिया जाए तो किसानों का फायदा किसानों के फायदे से ट्रैक्टर इसका जो है को। तो आपको क्या लगता है इसमें जो है मैं इस सवाल की शुरुआत थोड़ी सी अलग देखता हूँ जी अगर किसान की उन्नति होगी तो वो ट्रैक्टर भी लेगा वो बाइक भी लेगा वो कार भी लेगा एग्जैक्ट exactly. वो घर में फ्रिज भी लगाएगा वो टीवी भी लगाएगा वो घर भी अच्छा बनाएगा अपने बच्चों की एजुकेशन कराएगा घर में कोई बीमार होगा उसका बिल भी पे करेगा तो एक किसान के लिए उसकी कमाई का बढ़ना बहुत जरूरी है तो मैं समझता हूँ किसान की उन्नति और उसकी इनकम में जो चाहिए उसको अच्छा ताकि उसको अपने बच्चों को शहर ना भेजना पड़े exactly. आज हम बेबस कर रहे हैं कि आज इतनी कमाई नहीं है कि पूरा घर खुशी से चल पाए आ, अगर जो है चार दो चार बच्चे हैं तो दो खेती कर दो रहे हैं दो कमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मेरे लिए ट्रैक्टर उसके सामने बहुत छोटी चीज है अगर ये सब हो गया तो ट्रैक्टर तो अपने आप हो जाएगा एग्जैक्टली सेकेंड हैंड ट्रैक्टर्स या रेंट पे लिए गए ट्रैक्टर्स ये मतलब कि वैसे तो किसान भाइयों के लिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि वो उनको जो है सस्ते में मिल जाता है या कम लागत में मिल जाता है लेकिन इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए क्या ये चुनौती हैं या लाभदायक है इसको कैसे देखते हैं देखिए बहुत लाभदायक है और ये हो भी रही है किसान भाइयों के एक ट्रैक्टर के साथ क्योंकि इम्प्लीमेंट भी चाहिए होता है जी उसकी सेटिंग करनी आनी चाहिए उसको चलाना आना चाहिए तो इसीलिए किसान भाइयों को रेंट पे भी अच्छा लगता है कि कोई आता है जो ट्रेंड है ड्राइवर के साथ उनका खेत एक घंटा दो घंटा या एक दिन की दिहाड़ी पे ख़त्म हो जाता है जिनके पास अपने इम्प्लीमेंट है जो नया ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे बट शुरुआत करना चाह रहे हैं वो फिर अपना ट्रैक्टर खरीदते हैं हर कोई ट्रैक्टर खरीद भी नहीं सकता है गाँव में अगर पाँच पहुँच जाए तो पूरे गाँव का काम मेरे ख्याल से उसी से चलता है तो क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज है क्योंकि उसकी विजिबिलिटी हमारे पास डेटा पॉइंट्स में नहीं है जैसे आज ऊबर है टैक्सी हमें दिखती है वो हमें इतना दिखता नहीं ऐसा हमें लगता है कि वो चीज़ अभी हो ही नहीं रही बट यकीन मानिए वो हो रही है और वो हो रही है इसीलिए आज हर किसान ट्रैक्टर को जानता है उसको इस्तेमाल कर रहा है बट अगेन अगर मेन ट्रैक्टर की आज प्राइस की क्लैरिटी नहीं है तो पुराने ट्रैक्टर की प्राइस की क्लैरिटी वो भी नहीं है उसकी वजह जो ट्रांसपेरेंसी है भाई साहब वो मुझे लगता है वो चाहे नए ट्रैक्टर चाहे पुराने ट्रैक्टर चाहे रेंट के ट्रैक्टर वो वाला सफर अभी जब तक नहीं होगा सही मायने में बढ़ोतरी उसे नहीं होगी अभी जो है सोनालिका का आर एन टी मेनली किस तरफ फोकस्ड है हमारा जो कोर थिंकिंग है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है हमारी थिंकिंग क्या है हमें चूज नहीं करना हमें क्या करना है हमें सब okay. कुछ करना है तो आज इसी सोच के कारण हमने ये नहीं किया कि हम इंडिया में सिर्फ नॉर्थ में बेचेंगे या ग्लोबली सिर्फ हम एशिया में बेचेंगे हम यूएस नहीं जाएंगे हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे हम यूरोप नहीं जाएंगे आज हम यूरोप में भी कुछ देशों में नंबर वन है नेपाल में श्रीलंका में हम अमेरिका में भी ट्रैक्टर बेचते हैं अमेरिका में हम फैक्ट्री लगा रहे हैं तो हमारी जो आर एन डी है आज वो काफ़ी बहुत बड़ी है तो हमारी एक ग्लोबल आर एन डी अलग है जो यूरोप और यूएस की ट्रैक्टर बनाती है हमारी एक इंडिया की आर एंड डी अलग है इंडिया आर एन डी के अंदर भी हमने दो और आर एन डी कर दी हैं उन आर एन डीज को भी हम बड़ा करें तो हमारे पास आज हमें ये क्लियर है कि हमें ट्रैक्टर में नंबर वन बनना है हमें हर देश हर स्टेट में नंबर वन बनना है उसके लिए जो भी जरूरत है हमें उसके लिए चाहे पाँच सौ और आर एन डी के इंजीनें चाहिए हजार या दो हज़ार हम तो सोचते भी नहीं जो हमें चाहिए अपने मकसद के लिए वो हम करते हैं और भरपूर करते हैं मेनली आप लोग कंपनी इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के अभी तक जी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही जो है डील कर रहे हैं चाहे ट्रेसर बना रहे हैं या ट्रैक्टर बना रहे हैं उसी से रिलेटेड जो है सारे ये हैं क्या इससे बाहर के बारे में भी कंपनी सोच रही है कि इन एग्रीकल्चर सेक्टर से बाहर भी कुछ और करना है हमने एक चीज़ का निर्णय किया है कि आ, जो किसान भाई हैं हमारे उनकी जो एग्रीकल्चर नीड है एंड टू एंड हमें उन सब नीड को नंबर वन पूरा करना है तो आज हम इम्प्लीमेंट में बहुत अच्छा बनाते हैं रोटावेटर सोनाली का हर कोने कोने में जाता है सुपर सीडर हो गया हार्वेस्टर हो गया हम उसमें बहुत शुरुआत कर रहे हैं यानमार हमारे ग्लोबल पार्टनर हैं जापान के जो कंपनी में एक पार्टनर हैं उनके साथ हम नए नए राजस्थान से कुछ भी और बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं भारत के लिए तो मुझे लगता है कि हम अभी बहुत कुछ करना बाकी है जो हम कर सकते हैं हमने भारत में एक एन भी शुरू की है ट्रैक्टर फंडिंग के लिए तो हमें लगता है कि अभी इस इंडस्ट्री में हमें वाकई में नंबर वन बनना है चाहे इम्प्लीमेंट्स हो चाहे ट्रैक्टर हो चाहे उसकी बाइंग की जो ज़रूरत है उसकी तो वो फ़ासला या वो जर्नी वो अभी हमें लगता है वो अधूरी है ओके okay. अभी वो हमें जर्नी तय करनी है उसको इंजॉय करना है एक सवाल जो है वो 2030 तक के ग्रोथ के हिसाब से है कि उस समय तक का जो है आपने क्या कोई अपने लिए टारगेट अभी ये किया है हमने तो नई फैक्ट्री लगानी शुरू कर दी हमें <laughs> तो पता है दो लाख के बाद तीन लाख करना है तो दो लाख तो अब थोड़ा सा फासला रह गया मैं समझता हूँ कुछ महीनों का या कुछ क्वार्टर्स का तो हमारा क्लियर है हम एक और नई फैक्ट्री बना रहे हैं वो भी दो मिनट में एक नया ट्रैक्टर देगी ट्रैक्टर इंडस्ट्री में आपको एक डायनेमिक फेस माना जाता है जी तो आपने अपने लिए मेनली क्या बेंच जो है वो सेट किया है जब बिल्कुल हम नई शुरुआत करते हैं लाइफ में तो हमें ना पता नहीं होता कुछ हम थोड़े नादान होते हैं हमें पता नहीं होता कि कितना कठिन है सही बात हमें कठिनाई का अभ्यास नहीं होता तब हमारे अंदर एक ऊर्जा होती है इच्छा शक्ति होती है कि मैं कर दूंगा तो मैं यही कोशिश करता हूं कि जब हमने पचास हज़ार से एक लाख किया तो जितना मैंने सीखा और ज़्यादा ये सीखा कि मुश्किलें क्या है एक लाख करते ही यकीन मानिए मैंने सबको बुला दिया मैंने कहा मुझे कुछ नहीं मालूम मुझे दो लाख करना है मुझे सिर्फ ये मालूम है टारगेट को अचीव करने के लिए अगर मैं पूछूं जी तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है आप किसी भी चीज़ की गारंटी दे सकते हो लाइफ की नहीं दे सकते exactly. कि हम कब तक इस धरती पर हैं कब तक हमारा मौका है तो मैं ये सोचता हूँ कि आ, मैं यार हर दिन को इन्जॉय करूँ हर दिन कुछ बड़ा करूँ हर दिन कुछ अच्छा करूँ कुछ ऐसा तो करूँ कि मुझे खुद को भी अच्छा लगे नए एंटरप्रेनर्स के लिए जो नए बच्चे आ रहे हैं स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए आपका मैसेज क्या है मैं यही कहूँगा दोस्तों कि उधार की जिंदगी नहीं जीनी चाहिए अभी हो क्या गया आजकल जो आजकल हम टीवी पे देखते हैं तो हर क्या बंद सोचता है कि मेरा एक आइडिया है मैं बस उस आइडिया को ना प्रेजेंट कर दूँ अच्छे से उसको स्कूल से भी आजकल ये सिखाना शुरू कर दिया कॉलेजेस में भी कि हम लोगों को प्रेजेंटेशन मास्टर बना रहे हैं कि आप अपने आइडिया को अच्छे से प्रेजेंट करें मगर जो उसकी डेप्थ है जो खुद मेहनत करके उसको एक्सपेरिमेंट करना उसको ट्राई करना और कोशिश करना मैं उसको बड़ा करूं उसकी जगह लोग अब एक टाइम आएगा ब्लेम करने लग जाएंगे और उसको तो फंडिंग मिल गई साथ वाले को मुझे इन्वेस्टर ने फंड नहीं किया वरना मैं बहुत कुछ कर सकता था तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है कि अगर फंडिंग मिलेगी तो मैं बहुत कुछ कर लूँगा जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तब तक मैं इंतज़ार करूंगा और मैं प्रेजेंटेशन दूंगा तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली ये सोच से हमें बचना चाहिए कोई ऐसा एक ड्रीम जी जो अभी तक आपका फुलफिल नहीं हुआ है लेकिन आपको पूरा करना है इसके बारे में हमारे दर्शकों को मुझे अक्सर जो आपको अच्छी चीज लगती है वो पाने के बाद अच्छी नहीं लगती <laughs> लाइफ में exactly. जो खुशी की लाइफ बड़ी कम होती है अनफॉर्चुनेटली दुख की लाइफ बहुत अच्छी होती है <laughs> खुशी की ना जो इंटरवल होता है खुशी का जो आप इंजॉय करते हैं बहुत कम होता है तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं किसी चीज को इतना महत्व ना दूं कि मेरे को लगे मेरा सपना ही है क्योंकि मुझे मालूम है उसको पालूंगा मैं पाने के बाद वो खत्म हो जाएगी खुशी तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी खुशी को हर साल को इंजॉय करूं तो मुझे हर हर महीने महीने बढ़ना है तो तो अगर मैं मैं ग्रो कर रहा हूं, तो मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान अमर उजाला की ओर से हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप अपने इस पर बढ़ते रहे लगातार और बुलंदियां छुए और सोनालिका नंबर वन की ओर जो है तेजी से बढ़े ये थे श्री रमन मित्तल इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स लिमिटेड के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अगली बार हम फिर किसी और ऐसी ही बड़ी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे तब तक के लिए नमस्कार अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें वो भी एच क्वालिटी में और हाँ आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर अमर उजाला निष्पक्ष निर्भी निरंतर